अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने शब बारात से मुतालिक चंद बातें पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने शब बारात को हमारी मगफ़रत के लिए, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के रुजू के लिए बनाया है। शब बारात यानी गुनाहों से बरी होने की रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में अपने बंदे की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाते हैं, और बंदा जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी बातों को सुनते हैं, उनके गुनाहों को माफ़ करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन और लब्बैक कहते हैं। लिहाजा बंदों को चाहिए कि अपने गुनाहों को याद करके, छोटे गुनाह हों या बड़े गुनाह, सारे गुनाहों को याद कर करके अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांगे, इल्हाव जारी करे और ख़ूब अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग कर अपने गुनाहों से अपने नाम आमाल को साफ कर ले। ये वो रात है जिस रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाते हैं, और बंदा जब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला की दो सिफतों को ध्यान रखे। एक सिफत तो अल्लाह ताला की रहीम व करीम है, जो बहुत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। लिहाजा जब बंदा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला से रहम व करम की सिफत के साथ मांगे। अल्लाह ताला बहुत अपने बंदों को चाहता है, मोहब्बत करता है, मगफरत करने वाला है, माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। लिहाजा अपने शान रहीमी और शान करीमी से बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन चाहिए कि बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह की तरफ लौ लगाए। इसी तरह दूसरी सिफत अल्लाह की सत्तारी है, जो गुनाहों को पर्दा कर देता है, गुनाहों पे पर्दा डाल देता है। लिहाजा अल्लाह ताला से जब माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर करे कि अल्लाह तू मेरे साथ सत्तारी का मामला फरमा। जिस तरह इस दुनिया में, जिस तरह तू हमारे साथ इस मुआशरे और समाज में सत्तारी का मामला किया, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल कर रखा, हमारे ऐब को छुपा करके रखा, इसी तरह कल क़यामत के दिन में हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को, हमारी खराबियों को, हमारी गलतियों को अल्लाह तू छुपा कर रखे। यकीनन अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, छुपा देगा, नाम आमाल से भी मिटा देगा। इसीलिए शब बारात में हम ख़ास तौर से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। इसके साथ साथ जो हज़रात इस दुनिया से रुख्सत हो गए हैं, चाहने वाले दोस्त अहबाब जितने भी हैं, सब की अल्लाह ताला मगफिरत करे। एक तो ख़ास बात की तरफ तवज्जो हमने दिलाया कि अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर कराए इस रात में। दूसरी तरफ ये है कि शब बारात की रात में कब्रिस्तान की ज़्यारत करें। कब्रिस्तान की ज़्यारत वाकई एक अहम अमल है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़ा अमल है। जब भी कोई बंदा कब्रिस्तान की ज़्यारत करता है तो अल्लाह ताला बेशुमार उसको सवाब इनायत फरमाता है। लेकिन जब शब बारात में कब्रिस्तान की ज़्यारत करे, कब्रों की ज़्यारत करे, तो एक बात अपने जहन में ज़रूर रखे कि अल्लाह ताला से लौ लगा कर तवज्जो के साथ ये कहे कि अल्लाह इस दुनिया में जितने भी हम आमाल करते हैं, सारे आमाल तू देखता है, छोटा अमल, बड़ा अमल, और गुनाह और सवाब, सारे आमाल को तू देखता, उसी के मुताबिक कल फैसले होने वाला है। और आखिरत की मंजिलों में एक मंजिल हमारा कब्रिस्तान है, लिहाजा इस मंजिल को हमारे लिए आसान कर दे और सही कर दे। ये ख़ास तौर से तवज्जो दिलाए। कब्रिस्तान की ज्यारत करने पर एक फ़ायदा बंदे को ये होता है कि आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है, मौत की याद ताज़ा हो जाती है, और जब आखिरत और मौत की याद होती है तो बंदे का शौक़ और जज्बा और दिल दुनिया की रग़बत उसके दिलो दिमाग में कम हो जाती है, आखिरत का शौक़ ज़्यादा होता है, गुनाहों से नफ़रत होती है और गुनाह से डर पैदा हो जाता है। ये कब्रिस्तान की ज्यारत का फ़ायदा है। इसी तरह शब बारात में एक ख़ास तौर पर अमल करना है कि रोज़ा रखें। रोज़ा रखने पर भी अल्लाह तबारक व ताला बेपनाह इसमें सवाब इनायत फरमाया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी शब बारात में रोज़ा रखता है
उसको एक साल सवाब के रोज़े रखने का एक साल रोज़ा रखने का सवाब इनायत फरमाता है। अब आप ख़ुद गौर कर सकते हैं कि लगातार कोई बंदा एक साल रोज़ा रखे उसको कितना सवाब इनायत होगा, कितना सवाब मिलेगा, कितने नाम आमाल में उनके सवाब इकट्ठे हो जाएंगे। आप अगर शब रात में एक रोज़ा रखते हैं तो आप एक रोज़े की बरकत से एक साल के बराबर रोज़े का सवाब मिलेगा। इसलिए रोज़ा का एहतमाम ज़रूर करें। और आमाल ही असल है, अगर हमारी ज़िंदगी में आमाल नहीं और इखलास नहीं, खलूस नीयत नहीं, तो हमारी बात करना बेकार है। वैसे तो किताबों में नेक बातें भरी पड़ी हैं, एक दूसरे आज लोग माशरे और समाज में बड़ी बड़ी तकरीरें भी करते हैं, लेकिन आमाल से उसकी ज़िंदगी खाली है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला हमारी बातों को या हमारी शक्ल शबाहत को, हमारे ख़ानदान को या हमारे वजाहत को या हमारे मर्तबे को नहीं देखता, बल्कि हमारे आमाल को और नीयतों को देखता है कि किस नीयत के साथ कौन सा अमल किया गया। उसी नीयत और अमल को देखते हुए अल्लाह ताला सवाब मुरत्तब फरमाता है। लिहाजा अच्छे आमाल करें और अच्छी नीयतों के साथ करें, दिखलावे से दूर रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला भरपूर सवाब इनायत फरमाएगा और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। अल्लाह ताला से हम तमाम के लिए, अपने लिए, पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक को अमल करने के तौफीक अता फरमाए, इस दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।